दोस्तों, अब हम लोग एनालाइज करने वाले हैं द एक्सीलरेशन इन द सर्कुलर मोशन। अच्छा, कोई पार्टिकल अगर कोई एक सर्किल पे गोल गोल घूम रहा है, इवन इफ इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी उसका ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है एंड वी इक्वल्स टू ओमेगा होने के कारण उसका जो लीनियर स्पीड जो है वो हमारा कांस्टेंट है, बट सर्किल पे जैसे जैसे पार्टिकल घूमेगा वैसे वैसे उसका डायरेक्शन पर निरंतर बदलाव आएगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो कंपलसरी है, जो उसका डायरेक्शन जो है वो तो बदलेगा ही बदलेगा। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सीलरेटेड मोशन। तो बेसिकली जो है हम लोग यहां पर मोशन को जो एनालाइज करेंगे, ये वाले मोशन का एक्सीलरेशन का दो हिस्सा है, एक ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन और दूसरा जो है दैट मे बी ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। पहला वाला जो है दैट विल बी ऑलवेज प्रेजेंट एंड द सेकेंड केस विल बी मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, वी कैन नॉट श्योरली से एनीथिंग अबाउट इट। तो सपोज करो कोई एक पार्टिकल जो है वो इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन पे गोल गोल घूम रहा है, दिस इज द रेडियस आर, मैग्नीट्यूड आर है, और ओमेगा जो है वो इस तरीके से घूम रहा है। तो ओरिजिन मान लो मेरा जो है वो रेफरेंस पॉइंट है ओ, और जो हमारा आर वेक्टर है यानी यहां पर मेरा पार्टिकल है, तो ये वाले पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर को मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, ध्यान दो, इसको दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करते हुए, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो है मेरा आर कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो है आर साइन थीटा। तो आर वेक्टर को मैं सिंपली लिख सकता हूं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, ठीक है। एंड ओमेगा हम लोगों का इस तरीके से घूम रहा है, तो बाहर की तरफ जो है उसको मैंने के कैप मान लिया, जो कि हमारा नॉर्मल एक राइट हैंडेड ट्रायड है, सो ओमेगा कैन बी रिटन एज ओमेगा के कैप। तो इसका जो वेलोसिटी है दैट वी वेक्टर कैन बी रिटन एज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आर इज द पोजीशन वेक्टर, उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। एंड कोई भी पार्टिकल का एक्सीलरेशन ए वेक्टर जो होती है दैट इज नथिंग बट dv by dt। Now try to realize यहां पर जो हमारा r है वो r हमारा constant है, ठीक है, ये r जो है वो हमारा constant है, so यहां पर जो मैं लिख सकता हूं that a vector will be equals to r को तो मैंने बाहर कर दिया, एक term मेरा आएगा d omega by dt minus sin theta i cap प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप, और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा दैट विल बी प्लस ओमेगा इंटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप। ये हमारे पास दो टर्म्स जो है ये दोनों टर्म हमारे पास आने वाली है। So, इसको अगर मैं थोड़ा और ढंग से लिखूं तो ए वेक्टर, नाउ ट्राई टू रियलाइज दिस, यहां पर मेरे पास क्या है आर इंटू डी ओमेगा बाय डीटी इज नथिंग बट अल्फा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप। पहला टर्म तो हमारे पास ये आ जाएगा डी ओमेगा बाय डीटी इज अल्फा द एंगुलर एक्सीलरेशन, और दूसरा टर्म के बारे में अगर मैं ध्यान दूं तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो व्हाट आई गेट इज माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस माइनस साइन थीटा जे कैप इंटू डी थीटा बाय डीटी।
अच्छा डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा, ट्राई टू रियलाइज, जो हमारा डी थीटा बाई डी टी होगी दैट डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट ओमेगा। ओके सो दैट ए वेक्टर विल हैव टू पार्ट्स, आर बाहर अगर मैं कॉमन, चलो अब मैं अलग ही कर देता हूं, सेपरेट आउट कर देता हूं, दैट विल बी अल्फा आर इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप। एक ये वाला पार्ट जो है वो बन गया है, एंड डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, और ये वाला जो है, ध्यान दो, ये वाला जो है दिस विल बी सिंपली माइनस आर कैप। ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है आर वेक आर कैप का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, तो ये वाला जो है दैट विल बी अलोंग माइनस आर कैप। तो सिंपल सी बात है, इसका जो दूसरा कंपोनेंट आएगा दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर आर इंटू माइनस आर कैप, राइट। सो what I can write is a vector will be minus omega square r vector, and please try to realize that minus sine theta I cap plus cos theta j cap will be also an unit vector, or main agar yahan par dhyan do, chalo main likh deta hu, main jo claim hai, my claim is this quantity is nothing but a v cap, this quantity is nothing but a v cap. What is the v? this is the v vector, yani is direction ka unit vector ko hum log jo bolenge that will be minus sin theta I cap plus cos theta j cap. The reason is pretty simple and straightforward. Look here, v vector में भी यही वाला एक हमारे पास, v में जो है हमारे पास यही वाला i cap और j cap है, and this is the unit vector part. So this will be along the instantaneous velocity of the particle. तो किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो टोटल एक्सीलरेशन होगा दैट कैन बी रिटन लाइक दिस ओनली। ओके ध्यान दो, मैंने अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े हैं इसको डिराइव करने का और भी बहुत सारे तरीका होता है, मैं पहला तरीके पे जाता हूं, पहले वेक्टोरियल तरीका जो हमने पढ़े हैं, मैं कोई भी जनरल इंस्टेंट पे पार्टिकल का पोजिशन वैक्टर लिख दिया और उसका ओमेगा वैक्टर लिख दिया, v vector I know is a omega cross r, तो omega cross r करते हुए मैं लिख सकता हूं omega r minus sin theta I cap plus cos theta j cap, and a acceleration is nothing but the rate of change of velocity, उसको differentiate करते हुए हमारे पास ये terms आया, and finally the acceleration came out to be minus omega square r vector plus alpha r into v cap. तो अगर मान लो ये हमारा कोई एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेडियस एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस टेंजेंट, दिस एक्सीलरेशन ए वेक्टर विल हैव टू कंपोनेंट्स, एक तो हमारा इस डायरेक्शन में होने वाला है जिसका मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर आर, और दूसरा जो है वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, यानी इस तरफ इसका मैग्नीट्यूड है अल्फा आर, अल्फा ग्रेटर देन जीरो। अच्छा अल्फा बाय द वे अगर लेस देन जीरो होगा तो दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी नेगेटिव, यानी वी कैप के ऑपोजिट आएगा, यानी इस डायरेक्शन में आएगा अल्फा इंटू आर मॉड, प्रोवाइडेड द अल्फा इज अ लेस देन जीरो।
सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ओमेगा स्क्वायर आर इज अ रेडियल एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. It is directed towards the center of the circle. ठीक है. So कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एक एक्सीलरेशन हमेशा उसका सेंटर के तरफ होने वाली है और वो एक्सीलरेशन को हम बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर आर. एंड ध्यान दो Until and unless हमारा ओमेगा जीरो है तो ये वाला क्वांटिटी हमेशा प्रेजेंट होगा. यानी दिस एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट, दिस एक्सीलरेशन इज प्रेजेंट ऑलवेज इन सर्कुलर motion. This acceleration is present always in a circular motion. This is called normal acceleration or iska ek specific naam hai. This is also called as a centripetal acceleration. तो कोई एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इन दैट केस हमारा जो पार्टिकल है टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करता है एंड दैट पर्टिकुलर एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन also called as a normal acceleration. Why normal? Because the radius is perpendicular to the tangent. So it's with respect to this tangent, this radius is acting as a normal. So that's why it's also called as a normal acceleration. ठीक है. तो सबसे पहली बात तो ये है मेरे पास AC जो है वो हमारे पास आ चुका है. That can be written as omega square R. And that can be also omega. We also know one thing that omega into R is V. So we can also write it as V square by R. So towards the center, इसने जो acceleration को experience किया, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं. But other than that, there is also an acceleration which is directed towards the tangent. So alpha r is called the tangential acceleration of the particle. ठीक है. And that is represented as AT. And why is this happening? This will happen for the rate of change of omega. That will happen for the rate of change of omega. यानी अगर किसी का omega बदल रहा है तो in that case हमारा जो उस particle का speed है उस particular point पे वो भी हर इंस्टेंट पे बदलने का कोशिश करेगा और उस कारण पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो हमारा पैदा होने वाला है. एंड ध्यान देना एटी विल बी जीरो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. AT will be equals to zero
फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर मैं वेक्टोरियली लिखूं जो मेरा एटी है दैट विल बी इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ वी वेक्टर. That will be dv by dt of mod of a vector. And इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूं, ध्यान दो, जो हमारा at होगा that at can be written as d by dt of omega r. So at can be written as omega into dr by dt plus R into d omega by dt. अच्छा ध्यान दो. अच्छा क्या at हमेशा अल्फा r होगा? जवाब है जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. यहां पर मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेंटर था इसीलिए मैं बच गया हूं. जो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा सेंटर था इसलिए मैं बच गया हूं. अदरवाइज जो है दिस dr by dt need not be always zero. अगर मान लो यही वाला सर्कुलर मोशन को मैं कोई इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरा dr by dt जीरो नहीं होने वाली है. तो इफ dr by dt इज equals टू जीरो देन what we can write is at equals to alpha r. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान देना. at equals to alpha r तुम जब लिखोगे द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज टू बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. अदरवाइज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमेशा हमारा अल्फा आर होना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. Try to understand that particular thing. At will be equals to alpha r only when point of observation is at center of सर्कल. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एट द सेंटर ऑफ सर्कल. आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड. राइट, दूसरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में बात में आते हैं, उसको एनालाइज थोड़ी देर बात करेंगे तो भी कुछ नहीं जा रहा है. सबसे पहले हम सेंटर का और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से समझ लेते हैं बात को. सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो एक एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा हमारा काम करेगा और वो जो सेंटर की तरफ काम करता हुआ एक्सीलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे द सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन. और एक एक्सीलरेशन वैसा होगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो तब होगा अगर हमारा अल्फा जो है वो हमारा नॉन जीरो है तो पार्टिकल का टेंजेंशियल डायरेक्शन पे हमारा एक एक्सीलरेशन आने वाली है. दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. अगर हमारा ओमेगा इंक्रीजिंग है यानी अल्फा पॉजिटिव है तो जो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एंड अगर मान लो हमारा अल्फा नेगेटिव हुआ तो इन दैट केस इट विल बी ऑपोजिट टू इट, यानी इस डायरेक्शन में होने वाला है. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में हमें यहां पर ढंग से समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा, दैट इज द ऑल्टरनेट मेथड ऑफ फाइंडिंग एसी. ऐसे बहुत सारे मेथड्स है तो मैं एक फिजिक्स वाला मेथड दिखाता हूं. तो ऑल्टरनेट मेथड ऑफ फाइंडिंग सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, देर आर लिटरली लॉट ऑफ वेज इन इट. ठीक है ना, तो उस पर कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है. जो फिजिक्स वाला मेथड है उसको एक बार के लिए देखते हैं, लेट्स सी. तो कोई भी इंस्टेंट पे मान लो पार्टिकल जो है वो हमारा सर्कल के टॉप मोस्ट पॉइंट पर है.
सो दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो वो कोई एक यूनिफॉर्म स्पीड वी से गोल गोल घूम रहा है, तो यहां पर जो है, यहां पर पार्टिकल का स्पीड जो है दैट इज इक्वल्स टू वी दैट इज ओमेगा आर, और डायरेक्शन तो वहां का इंस्टेंटेनियस टेंजेंट के अलोंग होगा। नाउ अगले इंस्टेंट डीटी पर मान लो ये वाला पार्टिकल जो है ये कोई एक डीथीटा एंगल से घूम जाता है, और डीथीटा एंगल से घूमते हुए स्पीड तो अभी भी हमारा ओमेगा आर है, स्पीड जो है वो अभी भी हमारा ओमेगा आर ही है। सो ये वाला ओमेगा आर को अगर मैं इसको दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व करता हूं तो एक ऐसा आएगा, दिस इज डीथीटा, दिस इज डीथीटा, सो दिस इज ऑल्सो डीथीटा, तो ये वाला कंपोनेंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा आर कॉस डीथीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी ओमेगा आर साइन डीथीटा। नाउ डीथीटा इज वेरी स्मॉल, तो ओमेगा आर कॉस डीथीटा कैन बी प्रैक्टिकली रिटन एज ओमेगा आर, एंड दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा आर इंटू डीथीटा, ठीक है। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में प्रैक्टिकली कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसको मैं बोल सकता हूं। सो जो हमारा हुआ है डीवी दैट इज टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो हमारा सेंटर है, तो हम लोग सर थोड़ा सा इधर है, नहीं डीथीटा टेंडिंग टू जीरो है, तो ये वाला पॉइंट से वर्टिकल जो है वो हमारा सेंटर है। सो डीवी टुवर्ड्स द सेंटर will be equals to omega r into d theta, तो AC जो होगा that will be dv by dt, let's differentiate omega r into d theta by dt, now that is d theta by dt is also omega, so the centripetal acceleration comes out to be equals to omega square into r, ठीक है। अच्छा, now for tangential acceleration, ये तो हमारा rate of change of speed के चलते होगा, क्योंकि logical है v vector जिस direction के along है उसी direction के along change होना चाहिए, तो obvious ही बात है मेरे पास आएगा v equals to omega r, तो स्पीड वाइज देखा जाए dv by dt into r into d omega by dt that is equals to alpha r, r is a constant, वरना ये डिफरेंशिएशन जो है वो मैं डेफिनेटली डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं। सो कोई एक पार्टिकल का दोनों एक्सीलरेशन कैसे होते हैं उसका एक बेसिक आइडिया यहां पे हम लोगों को पूरी तरीके से लग चुकी है, मुझे इस चीज की पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा, राइट नाउ हम लोग केवल और केवल सेंट्रल फ्रेम के रिगार्डिंग ही बातचीत करेंगे, नॉन सेंट्रल फ्रेम के रिगार्डिंग कोई बातचीत नहीं होने वाली है, ओके ओके। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इक्वल्स टू 1.5 मीटर and alpha equals to 2 rad per second square and theta was initially 0. T equals to 0, omega was 60 by pi RPM. Find the omega, theta, linear speed, the centripetal acceleration and the tangential acceleration at T equals to 2 second. ठीक है? तो काफी आसान question है, एक-एक करके सब कुछ देखते हैं. Let's see. जो हमारा omega initial दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? That will be equals to 60 by pi RPM. And 1 RPM I know is nothing but 2 pi by 60 rad per second. So it will be 2 pi by 60 into 60 by 2 pi. That will be 2 rad per second. That will be the omega initial. Okay. So, कोई भी जनरल अल्फा जो है वो दे रखा है मेरा 2 रेड पर सेकंड स्क्वायर, तो
ओमेगा जो आएगा दैट विल बी ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड अल्फा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 rad/s² तो 2 × 2 = 4 दिस प्लस 2 ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 6 rad/s दैट विल गिव मी द एंगुलर वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट. ठीक है. Now, what will be the theta? Theta will be omega initial into t plus a half alpha t square. So 2 × 2 = 4. Alpha 2/2 = 1 plus t square. So that will be equals to 8 radian. लीनियर स्पीड निकालने के लिए बोलेगा तो v जो आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r. ओमेगा जो है वो उस इंस्टेंट पे 6 rad/s एंड r इज 1.5 meter तो 6 × 1.5 दैट विल बी इक्वल्स टू 9 m/s. नाउ व्हाट विल द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन. Centripetal acceleration AC is nothing but omega square R. So that will be 36 × 1.5. 3/2, that will be 54 m/s². And the tangential acceleration AT will be simply equals to alpha R. Now alpha is 2. So it will come out to be equals to 3 m/s². So total acceleration bolega to agar main total acceleration nikalu that will be under root AC square plus AT square. I just calculate usme calculate nahi kar raha hu and we get the total acceleration AC or AN jo hai. So AC और AT जो है वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर ही होने वाली है. ओके. अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 36 m. इट्स स्पीड इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय 0.25 m/s. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 48 m. ठीक है. अच्छा, ऑब्वियस बात है जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है s दैट कैन बी रिटन एज r थीटा. तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल 48 मीटर है, ध्यान देना ये एक सर्कल है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमारा बेसिकली हमारा लेंथ ऑफ द आर्क होने वाला है एंड दैट लेंथ ऑफ द आर्क इज गिवन बाय s इक्वल्स टू r थीटा. द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी सिंपली इक्वल्स टू 48/36. That will be 4/3 radian. सबसे पहले हम इस बात को रियलाइज कर ले. अच्छा, हमें दिया हुआ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT जो हमारे पास आने वाली है, दैट AT विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान दें कितना आ जाएगा मेरे पास, 0.25 m/s². But AT is nothing but alpha into R. That will be 0.25. तो मेरे पास जो alpha आ जाएगा, that will be 1, R तो मेरा 36 है, 1/144 rad/s². That will give me the value of alpha. ठीक है? अच्छा. Now try to understand. इसका जो हमारा ओमेगा इनिशियल है वो हमारा जीरो है. जो हमारा ओमेगा इनिशियल है, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो ओमेगा इनिशियल इज 0 rad/s. तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर विल बी 2 α θ एंड दैट कैन बी रिटन एज 2 × 1/144 × 4/3. तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 72
72 4 करूंगा तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा कितना 18, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 1/54, ठीक है, ओके। सो जो हमारा उस इंस्टेंट पे एसी होगी तो दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर फाइनल बाय सॉरी इनटू आर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इनटू आर, तो दैट विल बी 36/54, दैट विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो वाले इंस्टेंट पे हमारे पास दो एक्सीलरेशन है, एक हमारा इस तरफ है और एक हमारा इस तरफ है। ये वाला जो है दैट विल बी 0.25 और ये वाला जो है दैट विल बी 0.5। तो जो हमारा टोटल एक्सीलरेशन है ए दैट विल बी अंडर रूट 0.25 स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, 1/16 प्लस 1/4, तो मेरे पास ये आ जाएगा दैट विल बी रूट 5/4 मीटर पर, रूट 5 इज अप्रोक्सीमेटली 2.2, ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या भाड़ में जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सीलरेशन, ओके। तो अगला देखते हैं, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आफ्टर 2 seconds फ्रॉम द स्टार्ट, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड द वी वेक्टर बिकम्स 45 degrees। ए वेक्टर इज द इंस्टेंटेनियस टोटल एक्सीलरेशन and v vector is the instantaneous velocity's direction, and then find the alpha, yani angular acceleration of the particle if the radius is given to be equals to r. acha obviously baat hai, jo hamara particle ka tangential acceleration hai wo agar hamara constant hai to alpha of particle is equals to constant. Initially it starts from rest, ये चीज हमें दे रखा है, तो ये अगर हमारा rest से start करता है तो obvious सी बात है omega जो होगी that will be equals to alpha t. तो AC जो आएगा that will be omega square r, यानी AC will come out to be equals to alpha square t square into r, that will be the centripetal acceleration. Our tangential acceleration jo hai at jo hoga that will be simply alpha r. To isko agar main plot karu, this is the direction of v vector and that is also the direction of at, and this is the direction of AC. ये बोला है जो V vector के साथ ये हमारा 45 degree का angle जो है वो हमारा बनाता है, this is the total acceleration A, that angle is given to be equals to 45. So what I can say is, तो 45 होने के मतलब ये है दोनों components उसके equal है, यानी AT must be equals to AC. So AT must be equals to AC, RR is gone. So what I can write is alpha will be equals to alpha square T square, alpha alpha cut. So T ka value jo hai wo 2 second hume de rakha hai. So alpha will be simply 0.25 rad per second square. That will be the value of angular acceleration of the particle, okay? Okay, दोस्तों, तो मेरे पास एक पेंडुलम है, एक स्ट्रिंग है बेसिकली, जिसके एंड पे एक मास लटका हुआ है स्मॉल m, और मैंने उसको यहां पर रिलीज कर दिया हूं, और रिलीज करते हुए अल्फा एंगल पे रिलीज किया हूं, ये ऑब्वियसली बात है यहां पर ऐसे स्विंग करेगा, स्विंग करते हुए जब स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है
उस टाइम पे उसका एक्सीलरेशन कितनी होने वाली है वो चीज हमें निकालनी है। अच्छा ऑब्वियसली ये पार्टिकल जो है वो यहां से हमारा सर्कुलर मोशन जो है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट करने वाली है, और ये जो एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन करेगी, सपोज दिस इज द वर्टिकल, यहां पर ये पोजीशन थीटा पे आ जाएगा, ठीक है, यहां पर ये पोजीशन थीटा पे आ जाएगा, एंड यहां पर जो है यहां पर एंगल बनेगा अल्फा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, एट दिस इंस्टेंट दिस पार्टिकल विल हैव अ स्पीड वी लाइक दिस, जो कि हमारा स्ट्रिंग से डेफिनेटली परपेंडिकुलर होने वाली है, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर। ये वाला स्पीड का यहां पर इस तरीके से का स्ट्रिंग के लेंथ की तो परपेंडिकुलर ही होगी, क्योंकि एक एंड फिक्स है, तो स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग कोई भी वेलोसिटी होना संभव ही नहीं है। लेट अस डू सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। सो ध्यान दो, ये वाला लेंथ जो है, दिस लेंथ इज एल, I'll take the length of the string to be L. This length is L. तो ये वाला length जो आएगा, this will be L cos theta. ठीक है? L cos alpha. और दूसरी, जब वो ये वाले position पे आ जाएगी, तो तब उसकी जो ये length होगी, that will be L cos theta. So the loss of gravitational potential energy will be the gain in the kinetic energy. So what I can write is mgl into cos theta minus cos alpha will be equals to half mv square. Mm is gone. So v square will be 2gl cos theta minus cos alpha. Now the particle is executing a circular motion of radius L. So centripetal acceleration to main directly likh sakta hun. Jo AC will be equals to V square by L, and that will be 2g into cos theta minus cos alpha. ठीक है, द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन एसी विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय एल, एंड दैट कैन बी रिटन एज 2g इनटू कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा। आई होप दैट पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अच्छा, अगर बेसिक में थोड़ा फोर्स एनालिसिस करता हूं, तो ये है मेरा टी और ये है मेरा एमजी। तो mg का जो दो कंपोनेंट होगा, t और mg cos theta तो बैलेंस आउट करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है फिलहाल के लिए, मतलब ये वाला डायरेक्शन पे तो v का मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ला ही नहीं सकता है। t और mg cos theta में क्या रिलेशन होगा वो भाड़ में जाए, मैं बैलेंस आउट मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं, t और mg इस v पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो mg sin theta is responsible for change in speed, and f equals to ma apply कर दो, tangential acceleration जो हमारे पास आएगी at, that can be simply written as g sin theta. So we have found the centripetal acceleration and we have also obtained the tangential acceleration. Tangential acceleration is simple. It's simply g sin theta. At the lowest most point, when theta is 0 degree, the tangential acceleration component will vanish out completely. Aur jo hai hamara keval aur keval centripetal acceleration ka component hi bachne wali hai. Cos theta will be 1. And 1 minus cos alpha आएगा, that will be 2 sin square alpha by 2, and उसको calculation हम करते रहेंगे।
कोई भी जनरल पॉइंट पर हमारा किस तरीके से एसी और एटी होगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो एक बेसिक आइडिया यहां पर हमारा लग चुका है। देखो अभी तक हम लोग अपने आप को एक चीज में बांध के रखे हैं और वो है हम लोग अपना मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं हमेशा फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन रहे वो हमारा हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल रहे। तो अब हम लोग इस चीज को थोड़ा सा आगे लेकर जाने वाले हैं। जो व्हाट हैपेंस इफ आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट द सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट्स सी। ओके दोस्तों, अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं। जो अगर मान लो हमारे पास सर्कल का सेंटर के अलावा और कोई भी एक बाहर पे इनर्शियल पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट के अबाउट एक्सीलरेशंस का एनालाइजेशन हम किस तरीके से करने वाले हैं, क्या वहां पर भी सेंट्रिपेटल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशंस वगैरह है वो हमारा वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज, अगर मान लो मैं सर्कल का सेंटर के अलावा कोई भी अगर पॉइंट लेता हूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हमारा मोशन है वो हमारा डेफिनेटली सर्कुलर तो है नहीं। तो सेंट्रिपेटल और टेंजेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे थोड़ा सा वेग सा नजर आ रहा है। तो लेट्स सी कोई पार्टिकल का टोटल एक्सीलरेशन कोई दूसरे पॉइंट के अबाउट हमारा क्या रहने वाला है, उसके कॉम्पोनेंट्स क्या रहने वाला है। ठीक है, ये सारे के सारे बातें जो है वो हम ध्यान देंगे। तो पार्टिकल जो है वो यहां पर सी के अबाउट ओमेगा नॉट वेक्टर से एक सर्कुलर मोशन जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। ओ कोई भी एक पॉइंट है, इनर्शियल पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। ठीक है, ओ से सी को जोड़ता हुआ जो हमारा वेक्टर है, दैट वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर, उसको हमने कुछ ना कुछ एज्यूम कर लिए। ए वेक्टर बेसिकली हमारा एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अच्छा नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हम लोगों ने पहले भी किए थे अबाउट पॉइंट सी, अबाउट पॉइंट सी, क्योंकि वेलोसिटी जो भी है वो हमारा आर वेक्टर के प्योरली परपेंडिकुलर है, तो देयर इज नो कंपोनेंट अलोंग द आर वेक्टर। तो ऑब्वियसली बात है हम सिंपली लिख सकते हैं जो हमारा उसका वेलोसिटी वेक्टर होंगे वी वेक्टर, दैट वी वेक्टर कैन बी रिटन एज ओमेगा नॉट वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये तो हम लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, and this v can be written as a dr by dt, this is the rate of change of vector. So a vector jo hamare paas aaya tha that can be also written as a dv by dt, and that is can be written also as a d square r vector by dt square, and that is equals to omega d by dt of omega naught vector cross r vector. Point c के about ये analyzation है, right? तो point c के about अगर ये analyzation है तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, that is d by dt omega naught vector cross dr by dt. सॉरी प्लस डी ओमेगा नॉट बाय डीटी क्रॉस आर वेक्टर। नाउ डी आर बाय डीटी इज नथिंग बट वी, एंड दैट कैन बी रिटन एज ओमेगा नॉट वेक्टर, वी को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो तो दैट विल कम आउट टू बी ओमेगा नॉट वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। dr by dt is v, v को मैंने वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे पास ये वाला टर्म आ गया है, एंड दिस इज नथिंग बट अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर।
अच्छा ओमेगा नॉट वेक्टर और आर वेक्टर ऑब्वियसली आपस में हमारा परपेंडिकुलर है, क्योंकि आर वेक्टर जो है वो हमारा प्लेन पर है और जो हमारा ओमेगा नॉट वेक्टर है वो हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ओमेगा डॉट आर मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर जो मेरा पहला टर्म आएगा ओमेगा नॉट डॉट आर ओमेगा नॉट वेक्टर वो तो हमारा जीरो हो जाएगा, राइट। एंड जो टर्म हमारा बचेगा दैट विल बी ओमेगा नॉट का स्क्वायर विद अ माइनस साइन प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये हम लोग लिख सकते हैं। और यहां पर हमने सिंपली नाम दे दिए थे जो ये हमारा जो है दिस विल बी द सेंट्रीपेटल और रेडियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन एंड दिस वन वाज अ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो पॉइंट सी के अबाउट एनालाइज करना तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान था, केवल एक सेंट्रीपेटल का कंपोनेंट होता है जो हमारा आर वेक्टर के अनलाइक होता है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट होता है दैट वाज अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर एंड इसका मैग्नीट्यूड अल्फा इंटू आर ही आएगा, क्योंकि ओमेगा वेक्टर अगर हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर है तो अल्फा वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा एंड दिस इज सिंपली अल्फा इंटू आर। द डायरेक्शन जो होगा वो हम देख लेंगे दैट विल बी अलोंग वी कैप और माइनस वी कैप, उसके बारे में हमने पहले ही बातचीत ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पॉइंट सी के अबाउट तो सिंपल एनालिसिस होती है एक्सीलरेशन की, बट अगर मान लो कोई भी हमारा दूसरा पॉइंट है ओ तो क्या उसके अबाउट भी एनालिसिस इतना आसान होने वाला है या नहीं होने वाला है, लेट्स सी। अच्छा ऑब्जर्व क्या जो हमारा ए वेक्टर है प्लस आर वेक्टर है, इसको मैं ए वेक्टर नहीं लिखता हूं, कुछ और लिखता हूं कि वरना वो एक्सीलरेशन के साथ सेम हो जाएगा, सॉरी लेट अस टेक इट एज लाइक बी वेक्टर, ठीक है, लेट अस टेक इट एज लाइक बी वेक्टर, वरना वो एक्सीलरेशन के साथ कंफ्यूज करेंगे। प्लीज ऑब्जर्व बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर वेक्टर, सो मेरे पास जो स्मॉल आर वेक्टर है इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा डी आर बाई डी टी दैट विल बी डी कैपिटल आर बाई डी टी एंड दैट इज प्रेटी ऑब्वियस, इसके बारे में भी हम पहले बातचीत कर चुके थे। द रीजन बींग यहां पर जो है क्योंकि ओ पॉइंट भी हमारा इनर्शियल है सी पॉइंट की तरह ही, दोनों पॉइंट से ही हम जो वेलोसिटी को ऑब्जर्व करेंगे वो ऑब्जर्व तो सेम ही होने वाला है, तो ऑब्वियस ही बात है डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू डी कैपिटल आर बाई डी टी। एंड इफ वी डिफ्रेंशिएट इट एनी फर्दर डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर कैन बी ऑल्सो रिटन एज डी स्क्वायर कैपिटल आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट ओ एंड दिस इज द एक्सीलरेशन ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट सी। तो वॉट वी कैन राइट इज द टोटल एक्सीलरेशन वेक्टर remains same, that remains same for all inertial points, that will remain same for the all inertial points, even b vector agar hamara constant bhi nahi rahega to velocity mein bhale hi hamara badlav aaye लेकिन एक्सीलरेशन में बदलाव नहीं आएगा। मैं एक बार और दिखा देता हूं, सपोज ओ वॉज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ओ वॉज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड लेट अस राइट इट एज ए यू वेक्टर,
सी पॉइंट हमारा स्टेशनरी है और ओ पॉइंट जो है वो हमारा मूविंग है, वो उसका कोई भी एक जनरल वेलोसिटी है, मान लो हमारा यू वेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो डीबी वेक्टर बाय डीटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस यू वेक्टर, क्योंकि ओ के रेस्पेक्ट सी के रेस्पेक्ट में ओ का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज माइनस बी वेक्टर, एंड उसका क्योंकि सी तो हमारा स्टेशनरी है उसका रेट ऑफ चेंज ही हमारा माइनस यू वेक्टर देने वाला है। अच्छा ऑब्वियस सी बात है जो ऊपर वाला रिलेशन है उसको अगर मैं पहली बार डिफ्रेंशिएट करूंगा तो व्हाट वी विल गेट इज माइनस यू वेक्टर प्लस डी आर बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी, एंड ऑब्वियस बात है यू वेक्टर हमारा कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो और एक बार डिफ्रेंशिएशन में ये तो हमारा टर्म जीरो हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर कैन बी सिंपली ऑब्जर्व एज ए डी स्क्वायर आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर। सो द टोटल एक्सीलरेशन रिमेन सेम फॉर द ऑल इनर्शियल पॉइंट्स, जो हमारा एनएलएम के साथ काफी ज्यादा मिलता जुलता है बिकॉज हम ये चीज जानते हैं जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से दो इनर्शियल फ्रेम से फोर्स एनालिसिस या फिर एक्सीलरेशन एनालिसिस हमारा एग्जैक्टली सेम ही तो रहने वाला है। पर देखो टोटल एक्सीलरेशन सेम है लेकिन क्या सेंट्रीपेटल और टेंजेंशियल इतना आसान होने वाला है या नहीं होने वाला है, या एक्सीलरेशन इज गोइंग टू हैव मल्टीपल कॉम्पोनेंट लाइक दिस। दोस्तों अब एक ध्यान दो, मैं यहां पर एक रिलेशन लिखा हूं, मैं ये रिलेशन पहले भी लिखा था और मैंने एक्सप्लेन भी किया था जो ये वाला रिलेशन इन जनरल हमारा क्यों ट्रू है। जो अगर मैं पॉइंट ओ को एनालाइज कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी हमारा ये हमारा सर्कल है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तो इसका जो वेलोसिटी होगी ये आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होने वाला है। ये जो वेलोसिटी होगी इंस्टेंटेनियस ये तो हमारा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होने वाली है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये वाला वेलोसिटी जो है वो मैं डेफिनेटली ये तो नहीं लिख सकता हूं जो ये ओ स्मॉल आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, इनफैक्ट कभी नहीं होगा, प्रोवाइडेड ये हमारा आर वेक्टर इस तरीके से ना हो। ये वाले पॉइंट की अबाउट, यानी अगर डायरेक्टली जो पॉइंट है और सेंटर को जोड़ता हुआ लाइन है वो अगर नहीं होता है तो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे तो मैं ये लिख ही नहीं सकता हूं। तो यहां पर अगर मेरा पॉइंट है तो केवल तभी मेरा वो एनालाइजेशन ट्रू रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला। जो अगर ये पॉइंट ये वाला हो या फिर ये वाला हो, यानी ओ और सी को जोड़ता हुआ लाइन जहां जहां पे सर्कल को कट करेगा वहां पर हमारा एनालाइजेशन करेक्ट रहेगा, अदरवाइज कोई भी जनरल पॉइंट पे वो एनालाइजेशन डेफिनेटली गलत होने वाली है। सो अगर मान लो ये वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो नया हमारा ओमेगा है दैट ओमेगा इज ओमेगा वेक्टर लाइक दिस। Now the V vector will have two components. एक तो ये perpendicular component होगा और दूसरा हमारा इस तरीके से होने वाला है, ठीक है, एक तो हमारा इस तरीके से होगा और दूसरा component जो है वो हमारा इस direction में होने वाली है, right? अच्छा ये वाला component जो है, try to understand, ये वाला component जो है ये कंपोनेंट बेसिकली हमारा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए जिम्मेदार है, यानी वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डी ऑफ मॉड आर बाय डीटी, और डायरेक्शन जो होगा वो हमारा होगा प्लस माइनस आर कैप, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, देखो डी आर बाय डीटी अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो आर कैप के अलोंग ही होगा, कोई इशू नहीं है, और ये वाला क्वांटिटी जैसे कि मैंने यहां पर ड्रॉ किया हूं दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव
ऑटोमेटिकली वो माइनस आर कैप के अलोंग दिखा दे रहा है. तो मैग्नीट्यूड वाइज इट इज अ मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी, डायरेक्शन इज प्लस माइनस आर कैप. तो ये वाला कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी को मैं सिंपली ये लिख सकता हूं डी ऑफ मॉड आर बाई डी टी इंटू आर कैप. और जो परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट है उसके लिए तो हमारे पास सिंपल फंडा है, दैट इज वी परपेंडिकुलर वेक्टर इज सिंपली ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर. राइट. सो बाय द वे एक चीज ध्यान दो, जो हमारा v वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू डी आर वेक्टर बाय डी टी. ठीक है, वो तो मैं लिख ही सकता हूं. एंड दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज d ऑफ डी टी ऑफ मॉडर वेक्टर इंटू आर कैप. देखो अभी तक जो मॉडर है वो बाहर आ जा रहा था और मॉडर बाहर आके आर कैप के केवल और केवल जो डायरेक्शन है उसी का यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएट करना पड़ रहा था. लेकिन यहां पर क्योंकि सर्कुलर मोशन पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में नहीं है तो दिस हियर वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल टर्म्स दैट वी वेक्टर, अगर मैं प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करता हूं डी ऑफ मॉडर बाई डी टी इंटू आर कैप प्लस मॉड ऑफ आर वेक्टर इंटू डी आर कैप बाई डी टी. दिस टर्म इज मोर इंटरेस्टिंग टर्म. सो मॉड डी ऑफ आर कैप बाई डी टी कैन बी सिंपली रिटन एज वन बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर v वेक्टर माइनस डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप. दिस इज वॉट वी कैन राइट रिगार्डिंग डी आर कैप बाई डी टी. ठीक है, ओके. सो वॉट विल बी माई एक्सिलरेशन वेक्टर a वेक्टर. सो a वेक्टर विल बी सिंपली dv बाई डी टी. Now, if we differentiate here, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास देखो पहला टर्म जो आएगा that will be omega vector cross dr by dt. Omega vector cross dr by dt. ठीक है, plus r vector क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी. ठीक है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी प्लस आर वेक्टर क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी. बट वी ऑल्सो गेट सम एडिशनल टर्म्स प्लस डी स्क्वायर मॉड ऑफ आर वेक्टर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस d of mod r vector by dt into d of r cap by dt. So these are the two additional terms that we are going to get. So acceleration vector a vector will come out to be dr by dt is nothing but v. So omega cross v vector प्लस आर वेक्टर क्रॉस अल्फा प्लस मॉड ऑफ डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर प्लस डी ऑफ मॉड आर बाय डी टी इंटू डी आर कैप बाय डी टी. अच्छा, ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर अगर मैं करता हूं तो यहां पर एक बार क्रॉस ले लो, यहां पर एक बार क्रॉस ले लो. मेरे पास यहां पे क्या आएगा, यहां पे तो हमारे पास एक नॉर्मल टर्म बनेगा जो बनना है और दूसरा एक ओमेगा क्रॉस आर कैप का टर्म जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा आने वाला है. उस बात को हम रियलाइज करें, यहां पर जब मैं ओमेगा क्रॉस वी करूंगा
तो ओमेगा क्रॉस वी करने के दौरान यहां पर एक ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर कैप का टर्म जो है वो डेफिनेटली हमारा पैदा होने वाला है. वी हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो. एंड नाउ यहां पर डीआर बाई डी टी का टर्म वहां पर अगर मैं भेजता हूं, सो दिस विल बी ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर. ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ किया हूं कहीं पर, एक सेकेंड रुक जाओ. हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहां पर मेरा क्रॉस लिखने में उल्टा हो गया था. सॉरी सॉरी सॉरी. हाँ हाँ हाँ, यहां पर मेरे पास आ जाएगा अल्फा क्रॉस आर. दिस विल बी अल्फा क्रॉस आर. सो यहां पर मेरे पास से वापस आ जाएगा अल्फा क्रॉस आर प्लस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस डी ऑफ मॉड आर बाई डी टी. एंड यहां पर मेरे पास वापस एक पूरा टर्म आने वाला है वन बाई मॉड आर इंटू वी वेक्टर माइनस डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप. वाओ. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर हमें मल्टीपल टर्म्स मिल रहा है और ये मल्टीपल टर्म्स मिलने के कारण व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज द ए वेक्टर हियर cannot be simply resolved in two parts as a tangential and centripetal एक्सीलरेशन. तो कोई भी जनरल पॉइंट के अबाउट अगर मैं एक्सीलरेशन के रिगार्डिंग बातचीत कर रहा हूं तो इन दैट केस वहां पर हमारे लिए ए वेक्टर को इस तरीके से लिखना संभव नहीं है. तो अगर कोई दूसरे तुम बाहर के पॉइंट पर आते हो तो पहला इंपॉर्टेंट फंडा तो यह है, जो सिंपल सी बात है, टोटल एक्सीलरेशन तो सेम ही रहेगा. लेकिन दूसरी बात साथ में ये भी ट्रू है, जो हमारे पास किसी भी हालात पे वहां पर बाहर के पॉइंट पर इन जनरल एक्सीलरेशन को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर ही नहीं सकता हूं, टेंजेंशियल और सेंट्रिपेटल. ओके, वी प्रोसीड फर्दर. एंड जाने के पहले और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना. अच्छा, एक बात तो हमने देख लिए थे, जो हमारा ओमेगा वेक्टर होती है दैट ओमेगा वेक्टर कैन बी सिंपली रिटन एज आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर बाय मॉड ऑफ आर स्क्वायर. ठीक है, समझ में. एंड अगर मैं अल्फा के बारे में बातचीत करूं, अल्फा वेक्टर दैट इज डी ऑफ ओमेगा वेक्टर बाय डीटी, जो हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, इसको मैं डी ओमेगा बाय डीटी लिख सकता हूं. अगर मेरा मॉड आर कांस्टेंट नहीं है तो उसका भी डिफरेंशिएशन तो हमें कंसीडर करना ही पड़ेगा. मतलब व्हाट वी कैन राइट इज अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू डी बाय डीटी ऑफ आर क्रॉस वी इंटू वन बाई आर स्क्वायर मॉड ऑफ आर स्क्वायर. ठीक है, माइनस डी बाई डी टी वन बाई मॉड ऑफ आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर.
ठीक है, ये मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा dr by dt, that is a v, dr by dt is that is v, v cross v का टर्म तो हमारा जीरो ही आने वाला है, बट जो दूसरा टर्म हमारे पास आएगा दैट विल बी r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बाय मॉड ऑफ r स्क्वायर। ये वाला टर्म तो हमारे पास जो नॉर्मल आना चाहिए वो हमारा आएगा r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बाय मॉड ऑफ a स्क्वायर, माइनस में एक एडिशनल टर्म हमारा पैदा हो जाएगा माइनस टू ऑफ मॉड आर क्यूब इंटू डी ऑफ मॉड आर बाई डी टी इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, एंड फॉर दैट ऑब्वियसली वी कैन सी जो दिस टर्म इज नॉट गोइंग टू बी जीरो एंड दिस टर्म इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, तो हम लोग ये तो लिख ही नहीं सकते हैं जो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। आर वेक्टर और ए वेक्टर ऑब्वियसली आपस में जो है जो भी हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्रॉस जब लूंगा तो सेंट्रिपेटल वाला टर्म खत्म ही हो जाएगा, तो आर क्रॉस ए वेक्टर इज आर इनटू आर क्रॉस एटी वेक्टर दैट इज आर इनटू एटी ए टेंजेंशियल, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल कंपोनेंट है उसका क्रॉस पे तो जीरो ही आने वाला है, उसको वहां पर शिफ्ट करूंगा तो भी ध्यान देना जो हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो हमारा किसी भी हालात पर अल्फा आर के इक्वल नहीं है। सो ट्राई टू रियलाइज वन थिंग, अगर हम सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं तो जो एनालिसिस हमने किए हैं उसका कुछ ही पार्ट अभी भी वैलिड रहेगा, बाकी जो है हमें पूरी तरीके से नया ही एनालिसिस करना पड़ेगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को अल्फा आर हम नहीं लिख सकते हैं बिकॉज दिस टर्म इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल्स टू जीरो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है। ओके ओके दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन के थ्रू मैं अभी तक जो ये पढ़ाया हूं थ्योरी जिसमें बहुत सारे गंदे गंदे वेक्टर्स हमारे पास आए हैं, उन सारे चीजों को समेटने के लिए ये क्वेश्चन को ढंग से अंडरस्टैंड करो। हमारे पास यहां पर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, पार्टिकल सर प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है और ओमेगा नॉट जो है वो उसका कांस्टेंट है। ठीक है, कोई एक इंस्टेंट पे जो हमारा पार्टिकल पी है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, उसका रेडियस जो है वो आर होने के कारण पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं टू आर कॉमा आर। ठीक है, मैं इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं फ्रॉम द ओरिजिन दैट इज 0.0। सो द क्वेश्चन इज, पहला, व्हाट विल बी द ओमेगा अबाउट पॉइंट ओ, द रेडियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओ, द टोटल एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, द ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, मैंने यहां पर एक नया टर्म डिफाइन किया हूं ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओ and the magnitude of alpha with respect to O। ठीक है, ये सारे के सारी बातें जो है वो हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, तो सारे के सारे देखते हैं। जो पहला तीन पार्ट है वो काफी ज्यादा आसान होने वाला है, तो लेट्स सी क्या होता है। ओके, सो दिस इज अ सिनेरियो, पार्टिकल पॉइंट P पर है, ये हमारा C है सेंटर 2r, 0 और ये हमारा ओरिजिन है O। सो ये वाला डिस्टेंस जो है वो OC, वो डेफिनेटली हमारा 2r है, ये है हमारा रेडियस दैट इज r, तो O को अगर मैं पॉइंट P से जोड़ता हूं तो ये डिस्टेंस जो आएगा वो स्मॉल r आएगा। इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो स्मॉल r का लेंथ रूट ओवर 5r आ जाएगा और यहां पर जो एंगल बनता है फाइव, ये वाला फाइव का वैल्यू में कॉस फाइव आ जाएगा 2/√5 एंड साइन फाइव जो है वो मेरे पास आ जाएगा 1/√5। ठीक है, सो यहां पर मैं वेलोसिटी को दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लिया क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट जो है वो निकालना हमें ऑलरेडी आती है।
तो एक हम लोगों ने अलोंग और एक इस आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर रिजॉल्व किया। अगर ये फाई है तो ये भी हमारा फाई है, ठीक है। So, यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गया, जो हमारा V परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी ओमेगा नॉट R इनटू साइन फाई, दैट विल बी द V परपेंडिकुलर, एंड दैट V परपेंडिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ द वेक्टर OP। सो The omega we can write is nothing but V perpendicular by R, and V perpendicular is equals to omega naught R sine phi, that is 1 by root 5 divided by root 5 into R. So mere paas jo omega aa jayega, that will be equals to omega naught by 5. तो जो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी देखने वाले हैं, दैट एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट बाय 5। सो द फर्स्ट पार्ट इज डन। एंड ऑन द अदर हैंड द रेडियल वेलोसिटी हमें पूछा है, व्हाट इज मीन बाय द रेडियल वेलोसिटी। देखो बेसिकली जो हमारा रेडियस को बढ़ाने का टेंडेंसी होगी दैट विल बी द रेडियल वेलोसिटी, and that is nothing but dr by dt का magnitude। ये जो length है इसको बढ़ाने का जो tendency होगा that is the instantaneous so called radius। तो radial velocity जो होगी that will be mod of dr by dt, and obviously बात है ये वाला point हमारा fix है, तो केवल और केवल जो हमारा component है वही हमारा काम आने वाला है। तो रेडियल वेलोसिटी को अगर मैं vr लिखता हूं दैट विल बी ओमेगा नॉट r इनटू कॉस ऑफ phi, तो द रेडियल वेलोसिटी विल सिंपली कम आउट टू बी 2 ओमेगा नॉट r बाय रूट 5। vr विल बी इक्वल्स टू 2 ओमेगा नॉट r बाय रूट 5, that's a radial velocity component that we can see। Third part में पूछा है the total acceleration। Total acceleration के लिए अभी-अभी हमने एक theory किए हैं, जो दोनों point अगर inertial है, तो inertial होने के कारण जो हम लोगों का एक inertial frame में total acceleration आएगा, वही हमारा दूसरा inertial frame में भी acceleration आने वाली है। तो obviously बात है, यहां पर ध्यान देने का ट्राई करो, जो हमारा एक्सीलरेशन अबाउट सी, अगर मैं एनालाइज करता हूं, दिस इज द पॉइंट सी, दैट विल बी एटी प्लस सेंट्रीपेटल एसी। नाउ ऑब्जर्व, जो हमारा सेंट्रिपेटल आएगा दैट विल बी सिंपली ओमेगा नॉट स्क्वायर आर, और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा दैट विल बी जीरो, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ए जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू आर, एंड द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस टुवर्ड्स सी। तो C पॉइंट के अबाउट जो हमारा एक्सीलरेशन आ गया है दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू R। सो एक्सीलरेशन अबाउट O विल बी आल्सो इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर R टुवर्ड्स C। जो C पॉइंट है उसी के टुवर्ड्स होने वाली है। जो हमारा टोटल एक्सीलरेशन आएगा उस पर तो कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। एंड नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस कैन नॉट बी रिटन एज अ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अबाउट ओ प्लस सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन अबाउट ओ। ये चीज हम लोगों ने पहले ही देखे हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन
अगर हमारा पॉइंट जो है वो हमारा सेंटर पे नहीं है, द रीजन बीइंग प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी हम लोग करने वाले हैं यहां पर उस पे सर्कुलर मोशन तो हो ही नहीं रहा है, तो टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में हमें आइडिया ही नहीं है. सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर द फोर्थ पार्ट इज लेट्स रिड्रॉ द सर्कल. ठीक है, यहां पर जो हमारा पॉइंट है, दिस इज ओ, दिस इज द पॉइंट सी, और यहां पर हमारा दिस इज आर एट एन एंगल ऑफ फाइव. देखो टोटल एक्सीलरेशन जो होगा उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, वो तो हमारा इसी डायरेक्शन में होने वाला है और इसकी मैग्नीट्यूड है ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू आर. एंड नाउ रिजॉल्व दिस ओमेगा नॉट स्क्वायर आर इनटू टू कंपोनेंट्स, वन दैट इज परपेंडिकुलर टू आर एंड अनदर दैट इज अलोंग टू आर. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट. We cannot call it as tangential acceleration. This will be called as the transverse acceleration, not tangential acceleration. इसको हम लोग transverse acceleration बोलेंगे और tangential acceleration नहीं बोलेंगे. And this will be called as the radial acceleration. Now try to realize if this angle is phi. ठीक है. And तो हमारे पास जो transverse आएगा, a trans लिख रहा हूं मैं, that will be equals to omega naught square R into cos phi, and that can be written as 2 omega naught square R by root 5. That will be the transverse acceleration. And also note one thing, this is not equals to alpha into R. This is not equals to alpha into R. क्योंकि ऐसा कोई थ्योरी तो मैं तुम लोगों को पढ़ाया नहीं हूं. इनफैक्ट इसका उल्टा थ्योरी पढ़ाया हूं, बिकॉज यहां पर जो हमारा आर है उसका लेंथ बदल रहा है, तो इस कारण पे इसको मैं अल्फा इनटू आर तो लिख ही नहीं सकता हूं. तो एज अ मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, राइट. अच्छा बाय द वे, ए रेडियल कितना आएगा, ए रेडियल कितना आएगा, दैट विल बी अंडर रूट टोटल एक्सीलरेशन स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों एक्सीलरेशन तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर है, माइनस 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर बाई रूट 5 का होल स्क्वायर. तो जो हमारा रेडियल एक्सीलरेशन होगा that will be equals to omega naught square r by root 5. That will be the radial acceleration. And please try to understand, this is again not equals to omega square into small r. Now please realize this is not equals to omega square into r. Omega square into r jo aega, wo mere paas kitna aega? That will be omega naught square by 25, और small r की जो value आएगी that will be equals to root over 5 r. तो that is coming out to be omega naught square by 5 root 5 r. omega naught square by 5 root 5 r, जो कि obviously हम देख सकते हैं दोनों quantity हमारा equal नहीं है. तो रेडियल एक्सीलरेशन को मैं ओमेगा स्क्वायर आर भी यहां पर नहीं लिख सकता हूं,
सेंट्रिपेटल एंड टेंजेंशियल का सारे कॉन्सेप्ट यहां पर खत्म हो चुका है. एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन को मैं अल्फा आर के साथ भी इक्वेट नहीं कर सकता हूं. नाउ इन क्वेश्चनों में जो टफेस्ट पार्ट होता है वो हमेशा होता है अल्फा का वैल्यू निकालना, क्योंकि अल्फा निकालने का कोई भी हथियार अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर डेवलप तो किए ही नहीं है. इनफैक्ट कोई प्रॉपर हथियार है ही नहीं. तो अब हम लोग अल्फा की डेरिवेशन की ओर जाते हैं. लेट्स सी क्या है वो. ठीक है, ओके. सो फाइंडिंग अल्फा के लिए हम लोग अपना कोई भी एक जनरल पॉइंट पर आ चुके हैं. तो जनरल पॉइंट मान लो वहां पर हमारा जो एंगल बनाता है वो बनाता है थीटा, एज शोन. दिस इज द पॉइंट सी एंड दिस इज द पॉइंट ओ. तो ओ को मैं इस पॉइंट के साथ जोड़ा, उस पॉइंट का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर. और उसका जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा, प्लीज सी दिस रेड लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू स्मॉल आर एंड दिस एंगल विल बी नथिंग बट थीटा माइनस फाइव. तो यहां पर जो हमारा एंगल बनेगा वो भी हमारा थीटा माइनस फाइव ही बनने वाला है. एंड ट्राई टू रियलाइज वन थिंग, जो हमारा डी फाइव बाई डी थीटा होंगे दैट विल बी द ओमेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट एंड दैट विल बी द परपेंडिकुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा नॉट आर कॉस थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई द रेडियल डिस्टेंस दैट इज स्मॉल आर. And the minus sign is appearing क्योंकि हमारा जो phi है वो time के साथ कम हो रही है. Similarly, d theta by dt जो है वो d theta by dt हमारे पास आ जाएगा minus omega naught. Alpha निकालने का केवल एक ही हथियार है, that is alpha equals to d square phi by d theta square dt square. इसके अलावा तो और कोई भी हथियार हमारे पास नहीं है. तो इस बात को अब realize करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं. लेट्स सी, अगर कैपिटल आर बार स्मॉल आर में एक रिलेशन जो है वो ट्रायंगल पे साइन रूल लगाते हुए मैंने निकाल दिया, तो स्मॉल आर का ऑपोजिट एंगल जो है वो है मेरा 180 माइनस थीटा. ठीक है, स्मॉल आर का जो वैल्यू ऑपोजिट एंगल है 180 माइनस थीटा है और कैपिटल आर का ऑपोजिट एंगल जो है वो हमारा फाइ है. तो वी अप्लाई द साइन रूल टू गेट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर एज शोन. सो d phi by d theta जो मैं लिख सकता dt जो मैं लिख सकता हूं that can be written as a minus omega naught sin phi into cos of theta minus phi divided by sin theta. That is what we can write. अच्छा, हमें जो instant देखना है उस पर theta लेकिन ध्यान देना 90 है. हमें जो इंस्टेंट ध्यान देना उस पे है, उस पे थीटा हमारा 90 है और जो हमारा फाई है उस कॉस फाई और साइन फाई का वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हूं. जो इंस्टेंट पे मुझे निकालना है, हाँ क्या डिफरेंशिएट करने के पहले उस चीज का कोई काम नहीं है, बट बाद में तो काम आएगा ही आएगा. सो मैं डी फाई बाई डी टी को और क्या लिख सकता हूं, मैं अगर इस पे प्रोडक्ट टू सम जाऊं तो माइनस ओमेगा नॉट बाई टू साइन थीटा बाहर ले लेता हूं, मेरे पास आएगा टू साइन ए कॉस बी दैट विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी दैट विल बी साइन थीटा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी टू फाइव माइनस थीटा. सो थोड़ा सा मामला तो अच्छा हो गया है. That will be minus omega naught by 2, 1 plus sine of 2 phi minus theta by sine theta. And now we have to differentiate it again with respect to time. We have to be very careful. So, d square phi by dt square माइनस ओमेगा नॉट बाई टू बाहर, वन का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा और नीचे हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा. अब ऊपर जो टर्म आते जा रहा है वो एक एक करके लिखो, ध्यान दो.
पहले साइन थीटा को कांस्टेंट रख के कॉस ऑफ 2 फाई माइनस थीटा, ठीक है, 2 फाई माइनस थीटा, और फिर अंदर का डिफरेंशिएशन 2 ऑफ डी फाई बाई डी टी माइनस डी थीटा बाई डी टी, ये एक टर्म आएगा, एंड माइनस साइन ऑफ 2 फाई माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये मेरे पास आने वाली है क्वेश्चन रोल लगाते हुए, ठीक है, ओके। अब वैल्यूज पुट करना चालू करता हूं, मामला थोड़ा सा तो कूल करते हैं, ठीक है। नाउ ट्राई टू रियलाइज दिस विल बी माइनस ओमेगा नॉट बाई टू। अच्छा, थीटा जो है वो हमारा 90 होने के कारण उस वाले पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला टर्म का कोई काम ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये वाला पूरा टर्म जो है वो हमारा जीरो पे जाने वाला है एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वाला टर्म अब हमारा बचता है साइन 90 दैट इज 1, कॉस ऑफ 2 फाई माइनस 90 दैट इज कॉस ऑफ 90 माइनस 2 फाई एंड दैट विल बी साइन 2 फाई इंटू टू। अच्छा, डी फाई बाई डी टी उस इंस्टेंट पे जो है वो ध्यान देना है ए वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट पे जो हमारा ओमेगा होगा, और वो ओमेगा तो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा हूं, दैट इज ओमेगा नॉट बाई 5 विथ अ माइनस साइन आने वाला है माइनस 2 ओमेगा नॉट बाई 5 एंड डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा नॉट। ओके, बहुत सारे टर्म्स आ चुका है अब हमारे पास, सो दैट विल बी माइनस ओमेगा नॉट बाई 2 2 साइन फाई कैन बी रिटन एज 2 साइन फाई इंटू कॉस फाई 1 बाई रूट 5 इंटू 2 बाई रूट 5 एंड ओमेगा नॉट माइनस 2 ओमेगा नॉट बाई 5 कैन बी रिटन एज 3 ओमेगा नॉट बाई 5 दैट इज वॉट वी कैन राइट, ठीक है। एंड ये वाला चीज लिख लेने के बाद अब हम लोगों का मामला थोड़ा चिल हो गया है, सो 2 इज गॉन, दिस विल बी माइनस 6 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 25, तो मॉड ऑफ अल्फा विल कम आउट टू बी 6 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 25। एंड ध्यान दो, अगर मैं अल्फा इंटू आर लिखता हूं तो आर जो है वो मेरा है रूट 5 इंटू आर, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 2 ओमेगा नॉट बाय 5, क्योंकि अगर मैं यहां से अगर ए ट्रांसवर्स बाय आर निकालता हूं, एक बार जल्दी से निकाल के दिखा देता हूं, ए ट्रांसवर्स बाय स्मॉल आर अगर मैं निकालता हूं, सो दैट विल कम आउट टू बी 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय आर बाय रूट 5 बाय स्मॉल आर दैट इज अ रूट 5 इंटू आर, तो ये टर्म जो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 5। ये दोनों क्वांटिटी डेफिनेटली हमारा इक्वल नहीं है, तो एक्सटर्नल कोई पॉइंट से अगर हमें अल्फा निकालनी हो तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी टीडियस थिंग, We have to do this। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी हथियार नहीं बचता है, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, और इसी से हमारा mod alpha की value जो है वो हमारा आने वाली है। And गलती से भी ये वाला चीज apply मत कर देना, मैं बार बार hammer कर रहा हूं, कोई भी point जिसके about circular motion नहीं हो रहा है उस पॉइंट के अबाउट टोटल एक्सेलरेशन का एनालिसिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड,
उम्मीद है ये समझ में हमारा आ चुका है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फंडा नहीं है, सेंट्रिपेटल का नहीं है, वी हैव ट्रांसवर्स एंड द रेडियल एक्सीलरेशन, कुछ लोग इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने ये वाला जो डिस्कशन है अबाउट एन एक्सटर्नल पॉइंट वो मैं समाप्त करता हूं। ओके okay?